देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है पूर्ण तरीके से लोग मन बना चुके हैं। और जो है वोट की बात कहूं तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, जो वादे हमने किए, हमने जनता के बीच में जा करके उनको पूरा किया और समय अंतराल से पहले पूरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि जो है चुनाव खत्म होने तक काफी चीजें करें, पर हम लोगों ने शुरुआती ही दौर में, जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार टर्म वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए तो वो सेलेक्ट में वैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया और लगातार 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लगातार फील्ड में रहता है। जहां तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है। तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूंगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूंगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। और दूसरी बात है, कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मुझे लगता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सजग है, और वोटर हमारा बहुत समझदार है। उसको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है, उज्ज्वला से लेकर के, इज्जत घर से लेकर के, लखपति दीदी योजना से लेकर के, और 370 हटाने से लेकर के 500 साल का जो वेट, लॉन्ग वेट था, राम मंदिर को स्थापित करके, हमारे प्रभु को स्थापित कर दिया, हमारे यहाँ कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया, कितने सारे मंदिरों में, और पूरे, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँ, पूरे देश भर के मंदिरों में आप ये देखें कितना बड़ा काम किया है। तो जो है प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी में कोई जो है वो नहीं है, अलग बात नहीं है। और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी मैदान में उतर आए। जो है मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बनाने जा रही है जी। देखिए, नेताजी का अगर हम देखें, आदरणीय नेताजी का, तो उनकी भी इसी तरीके की पॉलिटिक्स रहती थी कि वो कभी जो है पहले जाते थे असेंबली के चुनाव में, उनको लगता था पार्टी का जो वर्चस्व है सपा का कम हो रहा है, और उस समय क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा वर्चस्व में थी, बीच में जो है बीजेपी भी काफी वर्चस्व में थी, तो उनको जब जब लगा कि पार्टी को उनकी जरूरत है तब वो चुनावी मैदान में कूदे। उसी मुझे लगता है कि फादर्स फुटस्टेप्स में सन इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम, तो भैया ने भी यही चीज करी है। पर मुझे पता है आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारा विश्वास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे और सभी मेरे जैसे भारतीयों के, सबके विश्वास है, हमारे आशा के किरण है। और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई भी गठबंधन का व्यक्ति आ जाए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, कन्नौज में हो सकता है कि उनको जो है, क्योंकि वो पुराने सांसद रह चुके हैं, नेताजी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रह चुकी है, तो वो है। पर सुब्रत पाठक जी वहां से हैं, ऑलरेडी सांसद हैं, और उनको ऐसा कहा गया था कि जब वो चुनाव लड़ने गए थे कि कोई उनको हरा देगा तो उनको बड़ा जो है दिक्कत हो जाएगी, पर फिर भी उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और उन्होंने काम किया है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इतना आसान हो जाएगा वहां पे, इट विल नॉट बी अ केक वॉक। बट ये चुनाव है, ये जगह ऐसी है कि मैं समझती हूँ कि वहां पर सारे लोग जो है सबका काम देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहूंगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, इस
इसलिए एनडीए अलायंस का कोई भी नेता आकर के कूद जाए चुनाव मैदान में, वो लोग कोई परास्त नहीं कर पाएगा प्रधानमंत्री को।